So, sabke paas, my name is Shana and welcome to my channel. Today we are actually going to be playing Tribes of Midgard. Yep, that's the name of the game. तो गाइज इस गेम के अंदर ना लाइक एक बहुत ज़्यादा फन एक हार्ड कोर गेम है जिसके अंदर लाइक आप सर्वाइवल खेल सकते हो एंड सर्वाइवल इन द सेंस वो खेल सकते हो. फिर इसके अंदर एक पूरी सागा है जिसके अंदर आप एक पूरी की पूरी विलेज बना सकते हो जैसे कि थोड़ा बहुत है. अब ये जो गेम है ना ये नॉर्थ्स के अंदर है. अब नॉर्थ्स अगर किसी ने मेरी दो हमने दो गेम्स खेले गॉड ऑफ वॉर विच वॉज पर्टिकुलरली इन ग्रीक बट लेटेस्ट गेम नॉर्थ्स में आ गया है and the second game is the Assassin's Creed Valhalla. These two are the games which we have played. ठीक है ना? We have actually played till now and these are the actually the games which actually are the Norse games which we have played till now on my YouTube. ठीक है ना? तो अभी देखो हम लोगों ने ना बहुत सारे मजे के काम किए हैं. तो अब देखो इस गेम के अंदर ना देखो Valhalla देखो इसके अंदर क्या होता है ना इसके अंदर दो चीजें होती हैं. आप एक बार मर गए तो आप जाते हो वालहाला जहाँ पे प्राउड वॉरियर्स हैं ऐसे लोग जाते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए हैं. और दूसरे लोग वो लोग होते हैं जो हेल में जाते हैं. अब इसका हेल 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 है ठीक है ना. अब हेल कुछ और हेल नहीं है बस हेल हेल है ठीक है ना. जैसे वालहाला लेके एक तरीके से हेवन समझ लो तो हेल हेल ही है ठीक है ना. तो इसके अंदर जैसे रेल्म्स वगैरह होते हैं. तो अब ये जो हेल है ना जो हमारा बंदा है वो एक्चुअली में गया था वालहाला है ना. बट और हम लोग ना एक तरीके से वलहाला के अंदर अपनी पूरी विलेज वगैरह बना रहे. एक तरीके से हम लोग एक पूरा का पूरा एम्पायर बना सकते हैं इस गेम के अंदर खुद का वो भी. अब देखो इसके अंदर ना आप लोगों को पता ही होगा कि बाइफ्रॉस्ट जैसे इड्रेसिल होता है. मैं आप लोग एक्चुअली में गेम के अंदर जाता हूँ फिर एक्चुअली में इनके बारे में थोड़ी नॉलेज देता हूँ. इसके अंदर एक पूरा सा मल्टीप्लेयर जैसे मैंने बोला मतलब इसका ये खुद की सागा जो कि स्टोरी मोड है जो कि सिंगल प्लेयर है उसको आप डबल भी खेल सकते हो. बट मैंने सोचा कि सिंगल प्लेयर ही खेलते हैं. तो अब देखो इसके अंदर एक तरीके से सीजनल रिवॉर्ड्स होते हैं शॉप होती है जो कि आप हॉर्न वगैरह से खरीद सकते हो. अपने करेक्टर को मैं अपग्रेड कर सकता हूँ. और इसके अंदर होती है स्टार्टर किट्स एंड पेट्स. तो पेट मेरे को नहीं पता मेरे को ये पेट कैसे मिला है बट स्टार्टर किट्स मेरे को ये वाली मेरे को नहीं पता कैसे मिली है बट ये वाली मेरे को सीजन से मिली है. अब देखो जो इसका केस होता है ना अब देखो इसके अंदर ना हमारे को इसके अंदर देखो बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी. तो मैंने इसी करके अपना एक वर्ल्ड बनाया. अब देखो मैंने ना एक वर्ल्ड बनाया था जिसके अंदर मैं बस 3 दिन सर्वाइव किया और मर गया. तो अब इसके अंदर ना जैसे कि थोड़े थोड़े दिनों में के अंदर ना वेव्स वगैरह आती हैं वो मैं सब एक्शन में बताता हूँ आपको एक्शन में अच्छे से. और जब मैं अंदर जाऊँगा तभी बता पाऊँगा एक्चुअली. तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं. अब गाइस जैसा एक्चुअली में उसके अंदर था ना लाइक इड्रेसिल जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है नॉर्थ का पर्टिकुलरली लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट इड्रेसिल एंड दैट्स दिस इज द पार्ट ऑफ इड्रेसिल इन गॉड ऑफ वॉर. ऑल क्रिएचर्स इन मिडगार्ड एक्चुअली क्रिएटेड इट्स अ पार्ट थ्रू विच दे कैन एक्चुअली मेक इट अन होल थिंग which is called the Idrisil. They actually, but वो भी पूरा Idrisil नहीं है. थोड़ा सा जो होता है उसे उसका थोड़ा सा पार्ट Idrisil को डाला है ना. और Idrisil हमारे पास भी जिससे कि हमारे विलेज जिंदा रह पाए. ये नहीं है तो हम भी नहीं है एक तरीके से ऐसा है. तो अगर ये खत्म हो गया तो हमारा गेम खत्म हो जाएगा. और आई थिंक ओडिन के रेवन भी है हमारे पास मैंने अभी नोटिस किया. अब देखो Idrisil ऑन करने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है. You can either get Idrisil just by actually collecting stuff like wood, cutting things, and like you know all the other things like in the in all the thing, है ना? Either that or you can also get these just by doing defeating pretty much enemies and like you know some stuff, है ना? तो हमारी village को हमारे को बताना पड़ता मतलब some stuff like killing people and like collecting and like you know making stuff buying stuff like this. तो अब देखो इसके अंदर क्या होता है ना रात जो होती है ना वो बस थोड़ी देर की ही होती है हमारी है ना. बहुत ज़्यादा देर की राइट नहीं होती बट जब भी रात होती है ना वो अभी आपने एक छोटा सा मैसेज देखा था ना हेल्थ लिंक्स. तो जो हेल्थ लिंक्स होते हैं ना वो एक्चुअली में हेलहाइम के बंदे आई थिंक सो है ना. और हेलहाइम से वो हमारे को मारने आते हैं जब रात हो जाती है. जब तक सनराइज नहीं हो जाता ना जब तक सनराइज नहीं होता तब तक वो लोग नहीं आते. तो एक तरीके से जैसे मतलब प्रॉपर नॉर्थ वाला फ़र्क नहीं है. तो हमारे को इन लोगों को मारना पड़ता है. और अगर हम लोग इन लोगों को नहीं मारेंगे ना तो हम लोग नहीं रह पाएंगे क्योंकि ये हमारी
हमारी उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हमारे को अपने को बहुत ही उससे बचाना है, और हमारे को अगर ये लोग अंदर घुस जाते हैं ना हमारी विलेज के, तो हम लोग बचा भी सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास खुद के बंदे हैं, ठीक है, हमारे पास खुद के बंदे हैं, तो लाइक प्रिटी मच वी हैव सम पीपल इन विलेज। ये देख रहे हो, ये जैसे ही आ गए ना, ये हमारे बॉडी गार्ड्स आ गए, हमारे पास बंदे हैं। बट द प्रॉब्लम इज, अब जैसे ये लोग अपने उसको अटैक कर रहे हैं, ठीक है, अपने इड्रिसिल को अटैक कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा बुरी थिंग है, क्योंकि इट शुड नॉट एग्जिट बट इट जस्ट एग्जिस्ट, ठीक है ना। और अगर इनकी हेल्थ कम हो गई तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा उसमें हैं, और हम लोग एक्चुअली में नहीं चाहते कि ये लोग जाए। अब जैसे आप देख रहे हो, मैं एनिमीज को डिफीट कर रहा हूँ और हमारे को इड्रिसिल मिल रहा है, तो अब ये लोग एक्चुअली में करते रहेंगे। और जो हमारे उसमें कुछ बंदे हैं ना, जो हमारे लिए काम करते हैं लाइक, और हमारे को ट्राई करना है कि ये लोग डिस्ट्रॉय ना करें अपने स्टफ को, बस दैट्स इट। अब जैसे 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 हमारा वो होता है, अब आप देख रहे हो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ना, वैसे वैसे ही इसका वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, वैसे वैसे बढ़ जाएगा। और जैसे अभी मेरा इड्रेसिल जो है उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम है, तो हमारे को ना एक्चुअली में ढूंढनी पड़ेंगी ये चीज़ें जिससे कि हम लोग ना बना पाए, सिंपल है। एंड ऑल्सो गाइज, हमारे पास हीलर्स है, मैंने पूरी विलेज खुद की एक्चुअली में नहीं करी है, और मैंने थोड़ा इस वजह से खेल लिया था जिससे कि मेरे को एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझ आए कि हमारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, नहीं तो मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये बहन जी हमारे को आप देख सकते हो, हमारे को एक्चुअली में करना पता है क्या पड़ेगा, हमारे को ना इन चीज़ों को अपग्रेड करना पड़ेगा अपनी विलेजेस को, और इवन वी कैन क्राफ्ट सम न्यू थिंग्स अगेन, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हो, तो हमारे को पूरा वो करना पड़ेगा। अब जैसे हमारे पास वुल्फ टीथ नहीं है, वुल्फ टीथ हमारे को वुल्फ्स को मार के ही मिलेंगे। अब आप ये देख रहे हो, जैसे सागा की क्वेस्ट होती है, उसके लिए हमारे को लाइक चीज़ें चीज़ें करनी पड़ेंगी, है ना। बट ये सागा नहीं है एक्चुअली में, सीजनल रिवॉर्ड्स हैं, और अगर हम लोग दरवाज़ा खोल देंगे तो कोई बंदा घुस जाएगा। तो अब हम लोग जल्दी से कलेक्ट करने चलते हैं, और मैं कुछ नई नई जगह को ढूंढता हूँ। जैसे जैसे हमारा वो होता है ना, हमारे को ब्लेसिंग्स मिलती है, तो हमारे को ना इन प्रॉपर, जैसे कि आप देख सकते हो, अब मैं वॉरियर बन सकता हूँ। अब जैसे आप देख रहे हो, तो अब मैं इस क्लास के लिए बाउंड टू हो चुका हूँ, तो अब मैं एक्चुअली में अपग्रेड कर सकता हूँ, विच इज़ इन प्रॉपर रियली गुड फॉर मी, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ये करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर ना आई थिंक ये वुल्फ ही हैं, मेरे को लिटरली पता नहीं, ओके आई थिंक यही है वेयर वुल्फ फैंग। तो अब गाइस आप देख सकते हो, अभी हम लोग ना एक ऐसी जगह पे आ चुके हैं जो कि मेरे से लेवल से ना थोड़ी सी ज़्यादा आगे है, बट मैं स्टिल इनसे ना फाइट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छी लूट चाहिए, और वैसे किसको नहीं चाहिए। और आप देख सकते हो इनसे फाइट करके ना, और कुछ चीज़ें निकालते निकालते ना मेरी कितनी ज़्यादा वो हो चुकी है। अब आप ये देख सकते हो, मैं एक्चुअल में हार्वेस्ट वगैरह कर सकता हूँ, सोल ले सकता हूँ, पेड़ वगैरह काटने के लिए हमारे को एक्स अलग से खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और जितना ज़्यादा अच्छा एरिया उतनी ज़्यादा अच्छी लूट, सिंपली। अभी आप देख सकते हो एक योटनार ने हमारे मिडगार को एंटर कर लिया है, तो इसका मतलब अगर हम लोग, अब जो योटनार है, अगर उसके एंटर करने से पहले अगर हमारी लूट अच्छी नहीं हो गई और हम लोग बहुत ही अच्छे लेवल तक नहीं चले गए ना, तो वो हमारी विलेज को पर्टिकुलरली डिस्ट्रॉय कर देगा। और अगर उसने ये काम कर दिया तो हम लोग बहुत ज़्यादा खतरे में पहुँच सकते हैं, और वो ना हो वही हमारे को चाहना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा पंती हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग वो नहीं चाहते। और उसी ने लास्ट मेरे वर्ल्ड को ख़त्म किया था, तो आई वुडेंट वॉन्ट दैट टू हैपन टू माई दिस वर्ल्ड। पता नहीं क्या आ चुके भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही अलग ही लेवल पे आ चुके हैं, और मैं मर चुका हूँ भाई। यार ये बड़ा बुरा लगता है मेरे को, इवन तो अभी हमारा गेम ख़त्म नहीं हुआ है, बट ये कुछ ज़्यादा ही मस्त है। तो इस बार इस विच को देखेंगे, और भाई मैं कुछ ज़्यादा ही आगे जाके मर गया यार। अगर वो लूट चलेगी तो यार बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, और रात भी होने वाली है यार। मैं कितना बड़ा पागल हूँ। ओह भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया, अब या तो मैं अपनी विलेज को बचाऊँ या फिर मैं खुद मर जाऊँ। ओ नहीं, बहुत ज़्यादा पास ही तो है, यहाँ पे तो मरा हूँ। ओके फिर बढ़िया भाई, मैं तो बिल्कुल ही एक तरह से सदमे में चला गया था। ये तो कुछ ज़्यादा ही मेरे को परेशान कर रही है विच जी, और ये मेरे को बहुत, और ये रात भी कर रही है यार। देख या तो तू मर जाए या फिर मेरे को पंतिया करने दे। हील भी कर रही है, देख अपने को शर्म आती है, शर्म आती नहीं, शर्म आती है। और गाइस वो लोग भी अंदर आ चुके हैं यार, हेल्दिंग। अब यार मेरी विलेज तो यार मैं पता नहीं क्यों पंतिया कर रहा हूँ। आई थिंक ओके वो जिंदा तो है, बट पता नहीं बस। और मेरी वो भी टूटने वाली है भाई, मेरा वेपन भी टूट गया पता है, दूसरा वाला जो अच्छा वाला था, और मेरे सारे वो जो 800 थे वो भी गए अब। ओके वी भाई मेरी बंदों ने सर्वाइव करा दिया मेरे को, मैं लिटरली बता रहा हूँ। और वो जोटनार आ रहा है, तो हमारे को भी उसको उधर ही मार देना चाहिए, नहीं तो पंतियाँ हो जाएंगी। तो मैं अच्छा से गेयर लेते और हम लोग चलते हैं, क्योंकि भाई अच्छे गेयर की तो हर बंदे को ज़रूरत है। और अब आई थिंक हमारे पास ओके या नाउ वी कैन एक्चुअली अफोर्ड दिस एंड मैनी मोर थिंग्स, ठीक है ना। तो ग्रेटर द सी
तो देखो जैसे ही हमारा सीड अच्छा बन जाएगा वैसे जो हमारी विलेज की भी हीलिंग है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। तो हमारे को ट्राई करना है हमारे विलेज की हीलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो भाई अब मैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह पर आ चुका हूँ जिधर से मेरे को बहुत ही ज़्यादा मस्त मस्त चीज़ें मिल रही हैं एंड इधर की लूटिंग भी अच्छी है। लेट्स जस्ट प्रे वी डोंट डाई हियर बिकॉज आई एम कैरिंग अ लॉट ऑफ गुड स्टफ विद मी एंड आई हैव अ लॉट ऑफ सोल्स विद मी, सो आई नीड टू डू समथिंग गुड अबाउट देम बिकॉज आई डोंट नो इफ वी गेट एमेथिस्ट रियली दैट इजिली। एंड आई थिंक हमारे को ना ऐश बीच पे आना पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड आई थिंक ये हमारा हो चुका है, अब हम लोग श्राइन को एक्टिवेट करके यहाँ पे जब भी आना चाहे वहाँ पे आ सकते हैं, विच एक्चुअली इज अ रियली गुड थिंग। वैसे मेरे को अभी एक चीज़ पता चलेगी कि हम लोग फास्ट ट्रैवल भी इसमें अनलॉक कर सकते हैं इवन दो। ओ भाई यार अब मैं ख़त्म हूँ, मेरे को भाई यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मेरे पास ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं है। चल इस अगर जब तक ये हो ही रहा है उस तब तक हम लोग लाइक अपनी अपनी चीज़ों को अपग्रेड कर देते हैं क्योंकि दोज आर द थिंग विच आई एक्चुअली नीड द मोस्ट, ठीक है ना। तो नाउ ओके भाई अब हमारे को बस जितना हमारे पास है उतना ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा सामान है नहीं। तो मैं गेयर पे ज़्यादा फोकस करूँगा देन लाइक यू नो एनी अदर थिंग। यार हमारे पास दुनिया भर की चीज़ें हैं बट हमारे पास वो चीज़ नहीं है जो कि एक्चुअली में होनी चाहिए, आयरन। आई मीन आयरन यार मेरा एक फ्रेंड है मैं उसका नाम बार बार लेता रहता हूँ, वो भी सोचता हूँ क्या क्यों भाई क्यों ट्राई कर रहा है इतना, तूने बुलाया मैं आ जाता हूँ भाई ऐसे मत कर। पूरी बारात आ रखी इधर तो अच्छी खासी, मैं बता रहा हूँ भाई पूरी की पूरी बारात करने वाले हैं, ठीक है। देन एनी थिंग एल्स तो अभी आप देख सकते हो मैं इसको क्राफ्ट कर सकता हूँ और ये मेरी उसको बहुत ही ज़्यादा उससे वो कर देती। अब मैं बहुत ही ज़्यादा उस पर आ चुका हूँ एंड वी डिड समथिंग गुड इन आर वर्थलेस लाइफ इन दिस गेम, है ना। तो अभी आई थिंक मैं 127 पे आ चुका हूँ और यॉटनार भी कभी ना कभी आ जाएगा बट उससे मेरे को अभी इतना ज़्यादा डर नहीं लगे क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी शॉट आ चुकी है, शॉट बोल रहा हूँ। तो अब हमारे को जल्दी से ना लाइक जल्दी से ख़त्म करना है इसको एंड हमारे को ना अब थोड़ा बहुत मैंने क्या कर दिया ये अभी। सो गाइस भाई बहुत ज़्यादा डैमेज लग रहा है यार इन लोगों पे तो, और ये अच्छी बात है। मतलब अभी मैं ना एक्चुअली मैं ना जो मेरी घटिया वाली सॉर्ड है वो इन छोटे मोटे बच्चों पे यूज़ करने वाला हूँ और जो मेरी अच्छी वाली सॉर्ड है वो मैं यॉटनार पे यूज़ करना चाहूँगा, ठीक है ना। ओ भाई इसका भी कुछ खास डैमेज नहीं लग रहा, ओ भाई साहब ये तो मस्त है। ओके इसके अटैक्स कंपेयर टू ऑल द वर्थलेस सॉर्ड्स दैट आई हैव, बंद मत हो जा वो तोड़ देंगे तेरे को। सो ऑल्सो गाइज ये जो लोग हैं ना मेरे उसको तोड़ सकते हैं और फिर इसको ना वापस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा जो कि मैं नहीं चाहूँगा, तो हमारे को ट्राई करना है। सो गाइज अब तो भाई मोटे मोटे बंदे आ रहे हैं और गाइज अब एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदा भी आ चुका है विलेज के अंदर जो, ओ भाई साहब ये बंदे, ओ भाई कोई मार क्यों नहीं रहा इनको यार, 5,000 से 4,000 पे ले आए यार ये लोग तो, और कुछ भी खास नहीं हुआ है भाई। ओ भाई साहब ये क्या है, ये का बवासीर है भाई, बवासीर नहीं ये ओ भाई साहब, ओ हो भाई साहब ये मैंने क्या देख लिया, और हमारा एड्रेस है बहुत ज्यादा खतरे में आ चुका है। अबे नहीं यार ये क्या हो गया यार, इधर इट अपग्रेडेड आई थिंक इट अपग्रेडेड, मेरे को लिटरली नहीं पता भाई ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा कांड हो गया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर भाई मैं तो ख़त्म ही हो जाऊँगा। तो भाई ये बोल रहे हेल्थ रिंग अपीयर नहीं होंगे इस रात को, इसका मतलब मेरे को नहीं समझ आ रहा, क्या इसका मतलब इस रात में कोई गवार इंसान आएगा और लाइक और ज़्यादा पावरफुल कोई, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। और अगर ऐसे ही है तो फिर मेरे को डरना चाहिए आई थिंक, क्योंकि आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और आई थिंक गाइज जैसे जैसे अगर मैं सब कुछ अपने आसपास का उड़ा लेता हूँ ना तो चीज़ें धीरे धीरे आके रिस्पॉन्ड भी होने लग जाती, मतलब यहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी क्योंकि होती तो मैं कब का उड़ा लेता, और है ना मतलब समझ गए होगे आप मैं कितना ज़्यादा वैसा बंदा हूँ। अब आप देख सकते हो इधर ना आसपास ये जो विलेज हट्स वगैरह देख रहे हो ना छोटी छोटी, मैं ना ये ना बिल्ड कर सकता हूँ वापस से, बट पता है इनमें प्रॉब्लम क्या है, मेरे को स्टोन चाहिए, ठीक है ना। बैक टू द वर्ल्ड ट्री कुछ तो हुआ आई थिंक, देखते क्या हो रहा है। सुबह जो अभी हम लोग देख रहे थे ना कट स्टोन ओर्स एंड लाइक ये जो वुडन बोर्ड ये सारी चीज़ें के लिए हमारे को अपग्रेड करना पड़ेगा नहीं तो हम लोग ये चीज़ें नहीं बना पाएंगे भाई। मतलब क्यों यार जिंदगी ख़राब कर रखी इन लोगों ने तो मेरी,
और अभी मेरे को ये भी नहीं पता मेरे को करना क्या है भाई। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे को लिटरली कोई आइडिया नहीं है अभी मेरे को क्या करना चाहिए। जैसे मेरे को ना लाइक इतना तो पता है कि भाई मेरे को ना सब कुछ अपना लेवल अप कर देना है जल्दी से, नहीं तो पंक्तियाँ हो जाएंगी। और आई थिंक इसका लेवल भी धीरे धीरे ड्रेसिल का बढ़ रहा है। मतलब इवन दो हमने 6 दिन सर्वाइव कर लिए हैं, स्टिल मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है ये, क्योंकि भाई हमारे को ना अभी हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं और हमारे पास में ज़्यादा कुछ भी सामान नहीं है और मेरी चीज़ें भी टूट चुकी हैं अब एक तरीके से। तो हमारे को इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है और हमारे को ये नहीं पता कि जॉटनार अभी कहाँ पहुँचा है। बस पास पहुँच चुका है पर कितनी पास ही हमारे को कोई आइडिया नहीं है। सो गाइस आई थिंक मेरे को समझ आ गया कि उसका मतलब क्या है इस कलर का, कि मैं मरने वाला हूँ, मेरा वर्ल्ड जाने वाला है अब अगर मैंने ज़्यादा और कोशिश नहीं करी। और आज मैं जितना दे सकता था मैंने उतना तो दे दिया, अब इसको मैं इससे ज़्यादा क्या दूँ। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ ज़्यादा, जितना मैं कर सकता हूँ मैं उतना कर पा रहा हूँ। बस ये है कि बस इनको पहुँच विलेज के अंदर आने ही नहीं देना, मतलब एंटर बहुत दूर की बात है क्योंकि अब ये लोग डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, विच मीन्स आई एम इन लाइक प्रिटी मच यू कैन से इन अ लॉट ऑफ खतरा, यू नो लाइक मैं बहुत ज़्यादा खतरे में हूँ। और ये लोग डायरेक्टली अंदर अंदर आ सकते हैं, जिसकी मेरे को और ही ज़्यादा वो है, मतलब जो सबसे ज़्यादा पास है वो सबसे ज़्यादा दूर रहना चाहिए, ऐसा केस है। जो सबसे ज़्यादा पास हो उसको सबसे ज़्यादा दूर रहना चाहिए और जो पास है मतलब उनको तो अंदर आने ही नहीं देना। और जैसे आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जा रही है डे बाय डे, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है एंड दीज पीपल आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू टेक माई ड्रेक्सिल। अब देखो जो जो हैं वो ज़्यादातर मेनली लोग, तो देखो जो जो अटैक नहीं करते हैं उनका तो ठीक है, बट जो लोग एक्चुअली में पूरा मेन अटैक मारते हैं ना, ये देख रहे हो अभी मैं बहुत ज़्यादा खतरे में हूँ। लाइक इसका मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि अगर ये ड्रेक्सिल नहीं बचाना मेरा तो मेरा गेम खेलने कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है ना। तो अभी मैं बस यही करूँगा, ये देख लो पूरी बारात बन जाती है। आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू सर्वाइव दिस। ओके गाइज वी सर्वाइव दिस बट नॉट फॉर लॉन्ग, नाउ वी हैव सो लेस अमाउंट ऑफ दिस दैट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू सर्वाइव अनदर डे एंड आई एम पर्टिकुलरली डेड राइट नाउ। दैट्स द थिंग यू नो, दैट्स द एक्चुअली पर्टिकुलर थिंग। और अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं है, सो आई जस्ट नीड टू लाइक यू नो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इधर मैं बचने नहीं वाला हूँ, ठीक है ना। और जैसे आप देख सकते हैं इसको लोग 98 चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। मतलब मैं कब तक ऐसे मर मर के सर्वाइव करूँगा, वही तो बात है ना। मैं पर्टिकुलरली आई एम डेड फ्रॉम इनसाइड, ठीक है ना, इस गेम के अंदर अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सो गाइस अभी ऐसा करते हैं, अभी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड भाई मेरे को नहीं लगता मैं अगले एपिसोड तक सर्वाइव कर पाऊंगा, बट अगर मैं कर पाता हूँ तो मैं लिटरली बताता हूँ, मैं सबसे पहले तो भाई वीडियो ही रिकॉर्ड करूँगा। बट अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं इसको सेल्फ ग्राइंड करूँ, क्योंकि सेल्फ ग्राइंड करा तो भाई चांसेस है मैं अपनी वर्ल्ड की डेथ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। और लास्ट एपिसोड में तो मैं लास्ट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जल्दी मर गया था, बट इसमें नहीं मर पाया हूँ, जिसका मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो चुका है मेरा। सो गाइस अभी बस अभी अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक मार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक साथ मिलने वाला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।